16 लाख रुपया के लिए कांग्रेस ने कार्रवाई की है, इसके लिए मुझे अफसोस है। कोई बहुत ह्यूज मनी नहीं है ये पैसा, तो इतना कारोबार के लिए या कुछ के लिए जाते रहते हैं बराबर विधायक, ये इसका हर साल का ये रूटीन वर्क है, साड़ी लाना, सामान लाना वहाँ से। ये कलकत्ता हम लोग का लोकल मार्केट भी है ना, और जामतारा से सबसे नज़दीक मार्केट है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो आरोप था इन लोगों का कि करोड़ों में जो है राशि उपलब्ध हो गया, ये बिल्कुल मिथ्या गलत साबित हुआ है। इससे हमको साफ जाहिर होता है कि एक षड्यंत्र के तहत जो है ये काम किया है लोगों ने, और ये षड्यंत्र पार्टी के आदमी पार्टी के खिलाफ करे ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि पार्टी ने जितना जल्दबाजी में कार्रवाई की, उस पर क्या नहीं कहना चाहिए, पहले स्वागत पूछना चाहिए था आपको, एक्सप्लेनेशन पूछना चाहिए कि बताइए ये आरोप आपके ऊपर है, क्या आप कहना चाहते हैं। विधायक बता देंगे, अगर क्लियर कट अगर कोई जवाब नहीं मिलेगा तो फिर आप जो एक्शन चाहे सो ले सकते हैं आप, लेकिन बिना स्पष्टीकरण का तुरंत आप जो है निलंबित कर दीजिएगा, और किसी कहने पर, किसी खास लोगों के कहने पर आप कहिएगा मैं एक्शन ले लेंगे, ये ठीक बात नहीं है। कहाँ ना गुवाहाटी तो जाएंगे ही भाई, बच्चे का एडमिशन का मामला है, बच्चे का एडमिशन का मामला, बच्चे की बच्चा छोटा वहाँ पढ़ेगा, और एक विधायक का तो वहाँ बेटी पढ़ती है, क्यों नहीं जाएगा भाई गुवाहाटी? गुवाहाटी क्या हिंदुस्तान से बाहर है क्या? और एक जब वहाँ सबसे एक बेस्ट स्कूल है तो क्यों नहीं जाएगा वहाँ पर? मुख्यमंत्री ने कल बयान दिया कि भाजपा पूरे प्रकरण के पीछे है, सरकार को गिराना चाहता है। अब भाजपा इतनी हल्की पार्टी तो नहीं है कि 16 लाख में सरकार को गिरा देगी। अगर गिराता 16 करोड़ की बात होती तो कहाँ यहाँ बीजेपी का सवाल उठता है। बीजेपी सरकार गिरा रही या नहीं गिरा रही ये तो जांच का विषय है, ये इस पर हमने टिप्पणी नहीं कर सकते।